काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैसे तो अपनी संस्कृति और शिक्षा के पराक्रम के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ बुधवार को जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को शर्मसार किया बल्कि इस वारदात से पूरा देश शर्मसार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IIT BHU में बुधवार की आधी रात को हुई उस घटना की, जिसमें बुलेट सवार 3 युवकों ने बंदूक दिखाकर एक छात्रा के कपड़े उतरवाए, उन्होंने छात्रा से अश्लील हरकतें की और उसका वीडियो भी बनाया, जिसके बाद युवक हैदराबाद गेट के रास्ते बाहर निकल गए। घटना की जानकारी होने के बाद से IIT के छात्र छात्राओं में बेहद नाराजगी है। गुरुवार सुबह सड़क पर उतरकर छात्रों ने घटना के विरोध में नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने पहले हॉस्टल के पास सड़क को जाम किया, फिर निदेशक कार्यालय का घेराव किया और शाम को जिमखाना खेल मैदान में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि IIT BHU प्रशासन कैंपस में रात में बैरिकेडिंग लगवाई जाए, साथ ही कई जगहों पर कैमरे नहीं हैं, वहां तुरंत कैमरे लगवाए जाएं, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक वो उठने वाले नहीं है। IIT BHU में मैथमेटिकल इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक की छात्रा न्यू गर्ल्स हॉस्टल से बुधवार आधी रात करीब 1:30 बजे बाहर घूमने के लिए निकली। वह परिसर में गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे पर पहुंची तो वहां उसका दोस्त मिल गया। दोनों करमन वीर बाबा मंदिर के पास में ही थे कि पीछे से बुलेट सवार 3 युवक आए और छात्रा और उसके दोस्त को रोका। कुछ देर बाद दोस्त को वहां से भगा दिया। छात्रा ने जो पुलिस को तहरीर दी है उसमें लिखा है कि युवकों ने उसका मुंह दबा दिया और उसे कोने में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की और फिर कपड़े उतरवा कर छात्रा का वीडियो बना लिया। चीखने चिल्लाने के बाद उन युवकों ने मारने की धमकी भी दी। यही नहीं, उन युवकों ने फोन भी ले लिया और करीब 10 से 15 मिनट के बाद छात्रा को छोड़ दिया। किसी तरह जान बचाकर भागी छात्रा इस घटना से इतनी डर गई थी कि वह रात को घटना स्थल के पास में ही प्रोफेसर के घर में घुस गई। छात्रा के अनुसार प्रोफेसर के घर में 20 मिनट तक रुकी रही। यहां प्रोफेसर से संपर्क किया तो उन्होंने अपने घर के गेट तक छोड़ा। यहां से पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौड़ मिले और IIT BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर गए। छात्रा ने घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। IIT BHU में छात्रा के साथ घटी घटना के बाद से छात्रों के विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बढ़ाने की मांग के बाद IIT प्रशासन ने व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। रजिस्ट्रार ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर संस्थान परिसर में लगे सभी बैरियर्स को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखने का निर्णय ले लिया है। ये भी कहा गया है कि ये गाड़ियों पर IIT BHU के स्टिकर लगे होने और परिचय पत्र की जाँच के बाद ही बैरियर से अंदर आने की अनुमति मिलेगी। इसकी कॉपी भी धरने पर बैठे छात्रों को दी गई, इसके बाद ही वह मानने को लेकिन छात्र इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल छात्रा के साथ जो घटना घटी है पूरे वाराणसी में इसको लेकर आक्रोश है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।